काफी बड़ा है साइज, ये टिश्यू है, इंसिजन यहाँ पे है, कहाँ है इंसिजन यहाँ पे, सो ये प्रॉपर मेमोरी फोल्ड बने हुए हैं। ठीक है, सो जो है ग्लैंड बताता हूँ, फैट बताता हूँ। सो ये फैट है चारों तरफ, ठीक है, और ये जो लम्ब फील हो रहा है ये ग्लैंड टिश्यू है। सो ये ग्लैंड, ये जो इसके नीचे है चारों तरफ, ये ग्लैंड टिश्यू है जो हम रिमूव करेंगे। एंड उससे पहले जो है चारों तरफ से ये फैट, यहाँ चारों तरफ ये बाउंड्री, आउटर बाउंड्री जो मैं रिमूव कर लिया। ठीक है, सो ऐसे ही ये प्रोसीजर रहेगा जिसमें हम यहाँ से पंचर रिमूव करके ग्लैंड और फैट रिमूव करेंगे, ग्लैंड के लिए इस कट को थोड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक है, सो ये कब से आपको ये प्रॉब्लम? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल। और कब कैसे पता चला कि आपको ये गायन से बोलते हैं इसको? सर फोन पे देखा था। नहीं मतलब आपको क्या लगता था कि चेस्ट ठीक नहीं है, चेस्ट का साइज ठीक नहीं है? सर ये बंदे ना करके पता चल गया अभी चेस्ट तो सही नहीं। अच्छा, चेस्ट की शेप ठीक नहीं मिलती थी। जम थे। सो पहले लगा कि आपको ये चेस्ट फैट है, राइट? फिर आपने जो है ये जिम वगैरह किया और फिर जो है बाद में बदल, फिर जिम से कितना फर्क पड़ा इसको? कोई फर्क नहीं पड़ा सर, बढ़ रहा था। ओके, कहाँ से आए हो? पंजाब से। ओके, सो फिर आपने वीडियोस वगैरह देखे तब समझ में आया कि ये गायनेकोमास्टी है, राइट? हाँ, अपने वीडियो देखा था। वीडियो देखे थे सब समझ में आया। सो आपने वहां से किसी को पहले डॉक्टर ने बताया था कि ये गायनेकोमास्टी है, वीडियो देख के ही समझ आ गया था? नहीं सर, थोड़ी देसी दवाई खाई थी सर, उससे कोई फर्क। कितना फर्क पड़ा उन देसी दवाई से? पड़ा नहीं सर, कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ठीक है। सो सर्जरी से एकदम प्रॉपर नॉर्मल शेप आ जाएगा और जो है ये कंप्लीट चला जाएगा। सो साइड में भी देखते हैं, ये साइड में देखिए कितना बड़ा ग्लैंड टिश्यू है, कितना बड़ा ये बल्ज है और ये प्रोजेक्टेड है। सो ये सर्जरी के बाद एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है।